मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार को निधन हो गया। वे करीब 100 वर्ष के थे और पिछले एक हफ्ते से बीमार थे। उनकी शव यात्रा आज उज्जैन के मुख्य मार्गों से होती हुई शिप्रा तट पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पूनम चंद यादव जी काफ़ी सक्रिय रहकर समाज सेवा करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। आज उनकी अंतिम यात्रा उज्जैन शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शिप्रा घाट पर पहुंची, जहां भूखी माता मंदिर के पास विश्राम घाट पर स्वर्गीय पूनम चंद यादव का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित बड़ी संख्या में राजनेता उज्जैन पहुंचे और यादव के परिवार को शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना सहित तमाम नेताओं ने एक्स प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रार्थना करते हैं जीवित सरदा सतम, 100 साल जिए परम पूज्य पूनम चंद जी, मुख्यमंत्री जी के पूज्य पिताजी सतायु थे। 100 साल का यशस्वी जीवन उन्होंने जिया और ये उन्हीं के पुण्यों का प्रताप है कि पूरा परिवार और विशेषकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी प्रदेश की जनता की इतने अच्छे ढंग से सेवा कर रहे हैं। मृत्यु अवश्यंभावी जो आया उसे जाना है, लेकिन पूर्ण आयु के बाद उन्होंने देव लोक गमन किया है। 100 साल की उम्र में तो वैसे ही देवता हो जाते हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा ने अपने चरणों में उनको स्थान दिया है। मैं फिर भी यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति और मोहन जी और पूरे परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।